उत्तर प्रदेश के आगरा से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पहले जन्मदिन पर एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। खेलते खेलते बच्चा अचानक खोलती हुई सब्जी की कढ़ाई में जा गिरा। बच्चे के चीखने पर परिजन दौड़ पड़े, उसे खोलती सब्जी से बाहर निकाला। आनन फानन में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद बच्चे के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चे के जन्मदिन की खुशियां अब मातम में तब्दील हो गई है। दरअसल यह दिल दहला देने वाली घटना आगरा के कागा रोल कस्बे की है। यहाँ साल भर पहले कस्बे के रहने वाले विनोद की पत्नी ने जुड़वा बच्चों एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया था। बेटे का नाम वंश और बेटी का नाम वंशिका रखा था। अब सोमवार यानी 9 मई को दोनों बच्चों का पहला जन्मदिन था। घर में जश्न का माहौल था, पूजा का कार्यक्रम रखा गया, रिश्ते नातेदारों को बुलाया गया, मेहमानों के लिए दावत का इंतजाम किया गया था। इसी बीच जब हलवाई बड़ी कढ़ाई में सब्जी बना रहा था, तभी मासूम वंश घुटनों चलते हुए वहां पहुंचा और भट्टी की तेज आंच में खोल रही सब्जी में जा गिरा। कढ़ाई में गिरने से बच्चा बुरी तरह से झुलस गया और इसके बाद घर में चीख पुकार का माहौल बन गया। आनन फानन में मासूम बच्चे को कढ़ाई से निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने बच्चे की नब्ज टटोल कर उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत के बाद अब विनोद के घर में मातम पसरा हुआ है। अपने इकलौते बेटे की खबर से माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है।